फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा। फ्रेंड्स, बात करने वाले इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट को। आज की ब्रेकिंग न्यूज है फ्रेंड्स, और यहाँ पर रिजल्ट को लेकर बहुत ही स्टूडेंटों में जो है नाराजगी सी हो गई है रिजल्ट को लेकर। तो इस वीडियो में उसी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। देखिए, संभावना है रिजल्ट आज जारी होने की, क्योंकि रिजल्ट रेलवे द्वारा कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है कि ये रिजल्ट आपका जो है आज डिक्लेयर्ड होगा, कल डिक्लेयर्ड होगा। ठीक है, तो आज की संभावना है कि आज आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो सकता है। इस न्यूज़ के बारे में जानेंगे, पूरी न्यूज़ यहाँ पर अपडेट के साथ आपको लेकर आए हैं। बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। रेलवे की हर अपडेट हम वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहते हैं। ऐसी कोई अपडेट नहीं जो हर अपडेट आपको नहीं पहुंचाते हैं वीडियो के माध्यम से। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट की। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये न्यूज़ जो है वो दैनिक भास्कर पर प्रकाशित की गई है, और आज की न्यूज़ है, डेट को आप देख सकते हैं, अभी 8:30 बजे 8:35 पर न्यूज़ प्रकाशित की गई है। आज की डेट में 15 फरवरी को न्यूज़ प्रकाशित की गई है। हम बताया जा रहा है रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम रिजल्ट कभी भी आ सकता है। RRB ग्रुप डी एग्ज़ाम रिजल्ट जाने क्या कहना है अधिकारियों, RRB अधिकारियों का। ठीक है, तो अधिकारी जो हैं वो क्या कह रहे हैं वो इस पूरी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर साफ साफ बताया है कि RRB वैसे तो रिजल्ट है जो वो आपका 17 फरवरी बताई जा रही है रिजल्ट आने की डेट, लेकिन यहाँ पर अधिकारियों द्वारा परीक्षा परिणाम जल्द घोषित होने की कोशिश की जा रही है, इसलिए परिणाम कभी भी घोषित हो सकते हैं। RRB ग्रुप डी रिजल्ट भी की पल पल की जानकारी आपको यहाँ पर हम देते रहेंगे, और यहाँ बताया जा रहा है कि आपका रिजल्ट जो है वो ज़रूरी नहीं कि 17 फरवरी को डिक्लेयर किया जाए, हो सकता है 17 फरवरी से पहले भी आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए। तो यहाँ पर ये अपडेट है आपके लिए कि जो रिजल्ट है हो सकता है आज भी डिक्लेयर हो जाए, कल भी डिक्लेयर हो जाए, परसों भी डिक्लेयर हो जाए 17 तारीख को। तो ये डेट जो है निश्चित नहीं है, लेकिन आज की ब्रेकिंग न्यूज है 15 फरवरी की। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बताया कि परिणाम जल्द घोषित हो सकते हैं, कोशिश की जा रही है, और जो बच्चों की संख्या ज़्यादा होने के कारण रेलवे नहीं चाहता है कि रिजल्ट में कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम आए रिजल्ट घोषित होने के बाद, भर्ती जो है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भाजती फिरे, इसलिए रिजल्ट में थोड़ी डेट लेट होती जा रही है। यहाँ पर रेलवे, मैंने पहले भी वीडियो बनाकर बताया था कि रेलवे ये नहीं चाहता है कि ये भर्ती बाद में कोर्ट में जाती फिरे जाए फिर बाद में, इसलिए रिजल्ट में थोड़ी देर हो रही है। देखिए बिना रिजल्ट में देर हो रही कोई बात नहीं है, लेकिन अगर एक बार कोर्ट में ये भर्ती का कोर्ट का मुँह देख लिया भर्ती ने तो बहुत लेट हो जाएगा भर्ती में। इसलिए एक दो दिन की कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट एक दो दिन लेट होगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिएगा अगली न्यूज पर हम चलते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये न्यूज जो है वो नव भारत टाइम पर प्रकाशित की गई है। यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट इस दिन जारी होगा, जाने अंक मेरिट के लिए। पूरी यहाँ पर डिटेल में बताया गया है, रेलवे ग्रुप डी कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है, समय नज़दीक आता जा रहा है, एक लंबी एग्ज़ाम प्रक्रिया के बाद इसका रिजल्ट तैयार करना भी आप में रेलवे में बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया आपको, रेलवे नहीं चाह रहा कि रेलवे में कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम आए रिजल्ट जारी होने के बाद। तो एक रेलवे में बहुत बड़ी चुनौती भी है कि इतनी भारी संख्या में रेलवे रिजल्ट घोषित करने जा रहा है और इतनी जल्दी से रिजल्ट का प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने देखिएगा साफ साफ बताया है, RRB ग्रुप डी रिजल्ट 2019 को लेकर आधारिक घोषणा नहीं है कि हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रेलवे रिक्रूटमेंट RRB अधिकारियों से बातचीत बताया गया कि RRB ग्रुप डी रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। करीब 1.89 करोड़ अभ्यर्थी RRB ग्रुप डी एग्जाम में हिस्सा लिया था, और RRB ग्रुप डी रिजल्ट तैयार करने में आप एक बड़ी चुनौती है। तो ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट जो है बहुत जल्दी आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बता दिया गया है आपका रिजल्ट के बारे में। तो कोई फ्रेंड टेंशन की बात नहीं है, जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा हम आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा फ्रेंड्स। साथ ही यहाँ पर एक बहुत अपडेट दिया है कि यहाँ पर रेलवे द्वारा ऑफिशियली अपडेट है ये तो, और जब नोटिफिकेशन डिक्लेयर हुआ था रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म जब फिलअप हो रहे थे उसी टाइम इस चीज़ को पब्लिश कर दिया था रेलवे ने कि सामान्य वर्ग के लिए 40% नंबर लाना अनिवार्य है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। फिर तो मेरिट कितने पर लगती है वो बाद की बात है, लेकिन अगर आपके 40% जनरल में नंबर आ रहे हैं 40%, तो अपने आप को एक सेफ जोन में समझ सकते हैं। हो सकता है आपका फिजिकल के लिए ले लिया जाए। SC ST और OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर उनके 30% से कम है तो वो भूल जाए कि हमारा रेलवे में कभी नाम भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर आपकी 30 से 40% कम है तो आपका कहीं से कहीं तक भी
रेलवे बोर्ड भी आपका नाम नहीं ले सकता, ना ही आपका नाम आएगा, ठीक है। ये ऑफिशियली कट ऑफ है फ्रेंड्स रेलवे की, कि रेलवे में अगर इतने जनरल के लिए 40 और एससी एसटी ओबीसी के लिए अगर 30% मार्क आपके हैं, तो आप अपने आप को जो है सोच सकते हैं कि हमारा नंबर आ सकता है, लेकिन बाद में मेरिट डिसाइड होगी, कितने पर मेरिट लगती है वो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल इतना रेलवे द्वारा बता दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा फ्रेंड्स, लाइक कीजिएगा, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे की हर अपडेट के लिए। जानना चाहते हैं रेलवे की हर अपडेट, टेक्निकल हिंदी ग्रुप चैनल पर विजिट करते रहें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।